हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम बिष्ट अल्मोड़ा की पहाड़न और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पूनम। सो मैंने पूजा की शादी का भाग दो आपके सामने रखा था और आज मैं भाग तीन लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सो फ्रेंड्स, पूजा ने अपना सूटकेस रख दिया था, उसमें सारा सामान रख दिया था और साथ ही रख दी थी अपने मम्मी पापा की एक फ़ोटो जो उसने सबसे पहले रखी थी। और उस फोटो से उसका मम्मी पापा के प्रति उसका कितना प्यार है वो सबको साफ साफ दिख चुका था, जो कि एक बेटी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है अपने मम्मी पापा का प्यार। और जो है वो बेटियों को ज़्यादा अपने मम्मी पापा से लगाव रहता है, तो बिल्कुल वो नेचुरल सा था पूजा के लिए भी। तो उस दिन जो है उसकी मेहंदी हुई और लोगों ने खूब गप्पें मारी, सारे लोग रात में बहुत देर तक जगे रहे, लेकिन फिर पापा ने सबको डांटा और कहा कि सारे लोग सो जाओ क्योंकि कल सुबह हल्दी होनी थी पूजा की। सो हल्दी जो है वो कुमावनी शादी में जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। हल्दी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कंगन बांधना, कंगन जो, ये तो मेरी पौंजी मैंने पहनी हुई है, तो कंगन जो होता है वो पीले कपड़े में जो है पैसे बांधे जाते हैं, और साथ में वो इसलिए बांधा जाता है ताकि दुल्हन के पास या दुल्हन के घर वालों के आसपास नेगेटिव एनर्जी ना आए, इसके लिए वो कंगन बांधा जाता है और दुल्हन को वो सब तरह की गलत नज़र से और नेगेटिविटी से भी बचाता है। साथ ही जो पीला रंग होता है वो हमेशा पॉजिटिविटी लाता है, वो आपके मूड को लिफ्ट करता है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कई बार आपको बताया है। तो उसके बाद उसे कंगन बांधा गया, मम्मी पापा को बांधा गया। उसके बाद वहाँ पर गीतार भी थे, हमारे कुमावनी शादियों में गीतार भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। गीतार यानी कि जो गीत गाने वाली महिलाएं होती हैं, वो पंडित महिलाएं होती हैं, लेकिन कई बार वो घर के कई बुज़ुर्ग जो महिलाएं हैं, अगर उन्हें वो गीतार आते हैं, वो शुभ काम में शुभ कुछ गीत होते हैं वो गाए जाते हैं, वो भी वहाँ पर गाए गए। साथ ही हल्दी उसे लगी। और जो है हल्दी का मैं आपको बताती हूँ क्या इम्पोर्टेंस होती है एक लड़की के लिए। एक्चुअल में हल्दी सिर्फ इसलिए नहीं लगाई जाती कि लड़की का रंग रूप निखरेगा, हल्दी के बहुत फ़ायदे होते हैं जो एक लड़की को, फ़ायदे और गुण जो होते हैं हल्दी के, वो एक लड़की को उस समय सिखाया जाता है कि उसे हल्दी की तरह ही अब रहना है। हल्दी आपके घाव को, आपके बाउंड को हील करती है जब वो उस पर लगती है। तो एक लड़की को सिखाया जाता है कि शादी के बाद उसे अपने पूरे परिवार के मुसीबत में, अगर कोई परिवार आ गया है उसका पूरा परिवार या परिवार का कोई भी सदस्य, तो उसे हल्दी की तरह बनना है और उनके घाव पर मरहम की तरह काम करना है। साथ में हल्दी रंग निखारती है, साथ में हल्दी जो है वो जो है हमारे खाने का जो है रंग भी जो है बहुत अच्छा करती है, साथ में टेस्ट भी बहुत अच्छा करती है। हल्दी के बिना आपका कोई खाना नहीं हो सकता। तो साथ में एक लड़की को ये भी उस समय सिखाया जाता है, उस सीख दी जाती है हल्दी लगाकर, कि उसे रिश्तों में जो है रंग भरना है और रिश्तों में जो है बहुत ही अच्छा स्वाद भी उसे लेकर आना है। मतलब उसे हर एक, अब क्योंकि वो एक घर की बहू है और किसी की पत्नी है, किसी की भाभी है, तो उसे सारे रिश्तों को बहुत ही बैलेंस तरीके से, बहुत ही अच्छे से उसे सारे रिश्ते निभाने हैं। जहाँ पर जैसी सिचुएशन हो उसे उस तरीके से सिचुएशन को उस हल्दी की तरह ही निभाना है। साथ में दुर्वा जो होती है, धूप का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा हमारे शुभ काम में। दुर्वा हमें सिखाती है कि आपको, दुर्वा बहुत सॉफ्ट होती है, मतलब वो इतनी सॉफ्ट होती है कि आपके पैर जब उस पर पड़ते हैं तो वो दब जाती है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग होती है कि जैसे ही आपके पैर उससे उठे वो अपने पूरे उसी आकार में दोबारा से वापस आ जाती है। तो धूप की तरह भी उसे सिखाया जाता है कि उसे सॉफ्ट रहना है, लेकिन इतना भी स्ट्रांग रहना है अपने परिवार के लिए कि अगर किसी हाथी का पैर भी उसे उस पर पड़ जाए तो वो टूटे ना। मतलब उसे मजबूती के साथ अपने परिवार के लिए हमेशा आगे खड़े रहना है। तो हल्दी और दुर्वा का यही इम्पोर्टेंस होती है, इसीलिए उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन हम लोग जो हैं इस चीज़ को कभी डिस्कस नहीं करते हैं, बट हमें ये चीज़ें डिस्कस करते रहनी चाहिए, क्योंकि वो गुण अपने अंदर लाना में भी बहुत ज़रूरी होता है एक लड़की के लिए और किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो दोस्ती में है, चाहे वो कोई भी रिश्ता निभा रहा है, उसको दुर्वा और हल्दी की तरह ही रहना चाहिए। कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।